राजभवन शिमला में आयोजित साप्ताहिक श्री रामचरित चिंतन सत्र रविवार को संपन्न हो गया। समापन अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है, उनसे उत्तम कोई व्रत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री राम के महान चरित्र की उच्च वृत्तियां जनमानस को शांति और आनंद उपलब्ध कराते हैं। शिमला के राजभवन में आयोजित किए जा रहे रामचरित चिंतन सत्र के अंतिम दिन रविवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। उनके साथ श्रीमती धीमान भी मौजूद रहीं। 10 जून से शुरू हुए रामचरित चिंतन सत्र के दौरान राजभवन के दरबार हॉल में सातों दिन लोगों की भारी भीड़ रही और लोगों ने प्रख्यात मनीषी और कथावाचक कुलदीप आर्य के मुखारविंद से सुंदर वृत्तांतों और चौपाइयों के माध्यम से रामचरित मानस की कथा का सोपान किया। इस दौरान कुलदीप आर्य की सहधर्मिणी कविता आर्य और उनकी मंडली ने संगीतमयी रामचरितमानस कथा और भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सत्र के अंतिम दिन कथावाचक कुलदीप आर्य ने राज्यपाल को अपने पिता और बड़े भाई की संज्ञा देते हुए हमेशा सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने का निवेदन किया, जिस पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत भावुक हुए बिना नहीं रह पाए। साप्ताहिक रामचरित चिंतन सत्र के समापन मौके पर आचार्य देवव्रत ने कहा कि श्री राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए खुशहाल राज्य की स्थापना की और स्वयं की भावनाओं और सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। उन्होंने श्री रामचरित चिंतन सत्र प्रस्तुत कर रहे कुलदीप आर्य और उनकी मंडली का आभार जताया। उन्होंने हर सत्र में आए मुख्य अतिथियों का भी आभार व्यक्त किया। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव श्री आरडी धीमान जी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री धर्मचंद चौधरी जी, श्रीमती चौधरी, न्यायमूर्ति श्री संदीप शर्मा जी, पुलिस महानिदेशक माननीय श्री सीताराम मरड़ी जी और भाइयों बहनों, आज 7 दिन तक निरंतर आप रामायण की कथा भाई श्री कुलदीप जी के सौजन्य से और उनकी पूरी कथावाचक मंडली के माध्यम से सुनते रहे। आप लोगों ने इस आयोजन में जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और आशा है कि इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी हों तो आपका प्यार स्नेह अपनापन मिलता रहेगा। आज समय का अतिक्रमण हुआ क्योंकि कथा पूरी भी होनी थी और आज आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, तो मैं आग्रह करूँगा कि जितने भाई बहन आए वो भोजन का प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाए। मैं कुलदीप जी और उनकी धर्मिणी सहधर्मिणी कविता जी और उनके पूरी कथावाचक मंडली को भी बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो पूरे देश में घूम घूम करके रामायण की कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति सभ्यता आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का एक महान कार्य कर रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि इन द्वारा यह कथा कितना लोगों के मन को मन भावना में अभिभूत आप कर चुके हैं। सब लोगों ने बड़ा आनंद इन 7 दिनों तक लिया, तो मैं पुनः आप सब की ओर से कथावाचक मंडली का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सब के सहयोग के लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इससे पूर्व राज्यपाल ने श्री रामचरित चिंतन सत्र प्रस्तुत कर रहे कुलदीप आर्य और उनकी मंडली को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। समापन मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक SR मरडी और न्यायमूर्ति विवेक शर्मा भी खासतौर पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।